लेकिन जनाब चैप्टर नंबर एट आपके सामने हाजिर है कि प्रॉब्लम अगर हमारे पास आ जाती है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है प्री अलजबरा की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कौन सी है स्ट्रेटजीज कौन सी हैं किस तरीके से आपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है सबसे पहले चीज़ उसको अंडरस्टैंड करें कि ये सिंगल स्टेप प्रॉब्लम है डबल स्टेप प्रॉब्लम है मल्टी स्टेप प्रॉब्लम है हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कहाँ कहाँ से एक्स वाई आ रहा है इनकी कौन कौन सी एक्सपोनेंट हैं पावर्स के हैं ब्रैकेट के हैं कौन सा रोल लगेगा नंबर्स कौन से इंटीजर्स हैं डेसीमल्स हैं फ्रैक्शन हैं वट एवर दे आर व टू फाइंड आउट द अननोन और अननोन को फाइंड आउट करना ही सारा मशीन लर्निंग का काम होता है सो so, अगर आप यहां पर समझ जाएंगे इन फ्यूचर इट विड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ठीक है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग वट इज बीग आस्ड डिंग डिटरिंग द रेलिट इन्फॉर्मेशन एंडगनाइजिंग एंड रिक्जिंग द अननोन डिवाइजिंग अ प्लान आप एक प्लान बनाए कि मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में रिजोल्व करना है ठीक है सो so, बड़ी से बड़ी क्वेश्चन भी आ जाए अपने छोटे छोटे हिस्सों में उसे समझना है बेसिक से समझना है अपने प्लान को बना के देन आपने क्या करना है एक्सटेंड करें सॉल्यूशन को रिव्यू करें कि मैंने किस तरीके से रिजोल्व किया इसको रिजोल्व करने के और कौन से तरीके हो सकते थे थिंक अबाउट इट गिव इट अ प्रॉपर टाइम ये ना हो कि आपके यहीं छोटी सी इक्वेशन है ये रिजॉल्व होगी ना ऐसे ना कीजिएगा मैथ के साथ दो हाथ कीजिएगा अच्छे से आप इसको रिजॉल्व करने बैठिएगा फिर एक्यूरेसी इसकी मैटर करती है जब भी आपके पास कोई डेटा आ जाता है एल्जेब्रिक इक्वेशन आ जाती हैं देन आपके पास सबसे पहले एग्जाम्पल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें फिर अंडरस्टैंड करें ओरिजिनल प्रॉब्लम को जैसे मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम दी है कि शमसा इज प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी शी हैज बजट ऑफ वन फिफ्टी डॉलर एंड वॉन्ट्स टू बाय अ पार्टी फेवर्स दैट कॉस्ट फाइव डॉलर ईच हाउ मैनी पार्टी फेवर्स कैन शी बाय ठीक है अब अगर मैं अंडरस्टैंड करता हूं प्रॉब्लम को तो मुझे पता है कि शमसा नीड्स टू कैलकुलेट द कैल्कुलेट नंबर ऑफ पार्टी फेवर्स शी कैन बाय विदाउट हर बजट ठीक है शी नीड्स टू बाय समथिंग फॉर द पार्टी जस्ट इमेजिन और उसको अपने बजट को रिजॉल्व करना है उसका मेन कंसर्न ये है कि मेरे पास इतना बजट है कि मैं कितने बाय कर सकती हूं इसमें ठीक है तो वो डिवाइज करेगी क्या टोटल बजट को एक पे डिवाइड करेगी ठीक है कि एक कितने का आता है कॉस्ट पांच तो 150 को पांच पे सीधा डिवाइड नहीं करना वो देखेगी एक कितने का आता है फिर वो करेगी प्लान यानी कि 150 डिवाइडेड बाय पांच तो मेरे पास टोटल तीन, तीस आएंगे अब इसको एक्सटेंड करेगी शी रिव्यूज आर कैलकुलेशन टू इंश्योर दैट शी द बजट एंड कंसिडर इफ दे आर एनी डिस्काउंट फॉर बाइंग इन बल्क अब उसने ये रिजॉल्व कर लिया इससे भी आगे जाना है उसने कि तीस तो आ जाएंगे अब मैं आगे क्या करूं? च फॉर डिस्काउंट मैंने इतना बल्क लेना हो सकता है मुझे डिस्काउंट मिल जाए सो थिंक अगैन एक्सटेंड दैट सोल्यूशन जो आपने पहले से रिजोल्व कर लिया एंड देन यू प्रोसीड विद द अदर थिंग्स ये है जी आपका मेन प्लान सबसे पहले आप क्या करेंगे मैं यहां पर आपको बताता हूं अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम डिवाइस अ प्लान कैरिंग आउट द प्लान एंड देन रिव्यू एंड एक्सटेंड दैट प्लान ठीक है और ये कंक्रीट एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि एक पार्टी के लिए अगर आपने कैलकुलेट करना है बहुत आसान एग्जाम्पल है बट आई नो कि जब आप बड़े लेवल पे इसी तरीके से क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेंगे तो आपको कंपनी वाले ऐसे क्वेश्चंस देंगे आपके स्टेक होल्डर्स जिन्होंने आपको डेटा दिया है वो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे एंड देन यू हैव टू आंसर इन द सेम वे बट प्लानिंग इन अ नाइस प्लान ठीक है तो ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी ना कि डेढ़ डॉलर में कितने आ जाएंगे अगर एक पाँच डॉलर के आपको भी पता तीस आएंगे लेकिन ऑन दी अदर साइड इट्स गिविंग यू अ स्ट्रेटजी कि आपने कैसे करना करने वो समझ आ गई है नहीं तो समझा नहीं तो नहीं समझा <laughs> खैर अगर समझ गए दैट्स गुड गिव अप